इंदौर में कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें मुख्यमंत्री अनुग्रह योजना के तहत 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 1100 लोगों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। पिछले साल कोरोना महामारी ने कई परिवारों के घर उजाड़ दिए थे। कई लोग इस काल के गाल में समा गए थे। कईयों के परिवारों में कर्ता धर्ताओं को इस आपदा ने ले लिया। ऐसे परिवार के सदस्यों जिनके कोई ना कोई सदस्य की इस बीमारी से निधन हुआ है उनको प्रदेश सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता अनुग्रह योजना के तहत दे रही है। उसी क्रम में अब तक 1100 लोगों के खातों में राशि पहुंच चुकी है। अधिकारी के माने तो जो भी व्यक्ति कोरोना काल में मृत्यु हुई है उनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट एक्सपर्ट डॉक्टरों द्वारा सभी दस्तावेजों की जाँच करवाकर पीड़ितों को पैसा उनके खाते में डाला जा रहा है। आवेदन और भी आ रहे हैं मगर आवेदनों को पूरे तरीके से जांच प्रक्रिया की जा रही है। देखिए शासन के निर्देश है कि जल्दी से जल्दी जो भी लोग कोविड के दौरान दिवंगत हुए हैं उनके परिजनों को जो भी अनुग्रह राशि वो तत्काल दी जाए, तो हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी तक की स्थिति में लगभग हम लोग 1100 लोगों के परिजनों को जो भी अनुग्रह राशि थी वो उनके खाते में अंतरित कर चुके हैं। शेष जो काम है वो अभी हमारा स्क्रूटनी में और जांच में चल रहा है। देखिए खारिज होने के ऐसे तो स्पष्ट निर्देश है उसके अंदर, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर कोविड पॉजिटिव है और मृत्यु हुई है तो उसको देना है। 30 दिन के अलावा अगर हॉस्पिटल में कई बार मृत्यु होती है उसकी तो उसको भी देना है। साथ ही साथ अगर उसके पास कोई मेडिकल का कोई भी प्रूफ नहीं है तो भी एक कमेटी हम लोगों ने यहाँ बनाई है, वो डिसाइड करेगी। उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है, वो डिसाइड करेंगे कि आइदर ही इज़ एलिजिबल और नॉट। तो इन कैटेगरी जो एलिजिबल है पात्र कैटेगरी, उनके अलावा अगर कोई ऐसा मिलता है जो पात्रता नहीं रखता है तो उसको हम लोग खारिज करें।